दोस्तों, अब हम अपने धर्म के विकास के कुछ ऐतिहासिक क्षणों का अनुभव करेंगे एक सुंदर नाटिका के साथ, जिसमें चार अमेरिकी बहाई जो प्रिय मास्टर अब्दुल बहा से मिले थे, आप में से प्रत्येक के लिए उनके दिल खोल देंगे और बताएंगे कि कैसे वे संविदा की शक्ति की व्यक्तिगत समझ तक पहुंचे और कैसे ये समझ आज्ञाकारिता से उत्पन्न हुई। संविदा के केंद्र अब्दुल बहा के प्रति आज्ञाकारिता। आइए अब हम चलते हैं संविदा के शहर में और मिलते हैं जूलियट थॉम्पसन, लुआ गेटसिंगर, हॉवर्ड मैकनट और हाँ, लुई ग्रिगोरी से। जब मैं 10 साल की थी, मैं सपना देखने लगी कि किसी दिन मैं ईसा मसीह की पेंटिंग बनाऊंगी। मुझे लगता है कि मैं हमेशा जानती थी उस समय से पहले भी कि मैं पेंट करूंगी। लेकिन मुझे याद आया कि हम जब अपने दादा दादी के साथ रह रहे थे, मेरे पिता की मृत्यु हुई ही थी और मेरी माँ के पास पैसे नहीं थे, तब से ही इस विचार ने मुझे जकड़ लिया था और मैंने ईसा मसीह की पेंटिंग बनाने का ठान लिया था। मैंने ईश्वर से प्रार्थना भी की कि मैं ऐसा कर पाऊँ। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, आपको पता है कि ईसा मसीह वैसे नहीं दिखते थे जैसा उनको सभी चित्रों में दिखाया जाता है। प्लीज़ मुझे उनका चित्र बनाने देना जब मैं बड़ी हो जाऊँ मानव जाति के सम्राट के रूप में। और मैंने कभी उम्मीद नहीं खोई। कला स्कूल में प्रशिक्षण लेते हुए तब तक उम्मीद नहीं खोई जब तक कि मैं मास्टर से नहीं मिली। जब मैंने अब्दुल बहा को देखा, तब मुझे समझ में आया कि ईसा मसीह को कोई चित्रित नहीं कर सकता था। जब मैं अक्का में तीर्थ यात्रा पर थी, तब मैंने अपनी डायरी लिखना शुरू की थी। ओह अक्का, समुद्र के किनारे सफेद दीवार वाली नगरी, जहां मैंने अपना दिल अब्दुल बहा को समर्पित किया था। लेकिन मेरी डायरी की तरह मेरा समर्पण भी एक जीवन भर का प्रयास था। जब तुम अमेरिका लौटो, मास्टर ने मुझसे कहा था, मैं चाहता हूँ कि तुम एकता लाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। तुम न्यूयॉर्क जा रही हो मेरी सेवा करने के लिए, लेकिन मैं मित्रों को कैसे एकजुट कर सकती थी जब मेरा ही हृदय विभाजित था, टुकड़े टुकड़े था। मुझे डॉक्टर पर्सी ग्रांट के साथ प्यार हो गया था। पर्सी ग्रांट का चर्च ऑफ असेंशन मेरे स्टूडियो से महज आधे ब्लॉक की दूरी पर था। कई सालों तक मैं उन्हें सुनने के लिए वहां जाती थी। प्रशंसा जल्द ही कुछ और अधिक में बदल गई। मुझे उनसे प्यार हो गया। मेरे जीवन में केवल एक ही मजबूत प्यार था और वह थे पर्सी। वह करिश्माई रेक्टर जो न केवल सामाजिक न्याय का प्रचार करते थे बल्कि विश्व बंधुत्व को भी बढ़ावा देते थे। मेरे लिए उनसे बेहतर साथी कौन हो सकता था। लेकिन अक्का में अब्दुल बहा ने मुझसे कहा कि मुझे पर्सी के साथ रिश्ता तोड़ना पड़ सकता है। या तो मुझे उनसे शादी करनी चाहिए या उनसे खुद को अलग कर लेना चाहिए। मुझे ऐसा करने को क्यों कहा गया? हो सकता है कि मैं स्वयं ईश्वर के साम्राज्य तक जाने की तुलना में पर्सी ग्रांट को रास्ता दिखाने के लिए अधिक उत्सुक थी, या हो सकता है कि मैं परमात्मा के साथ अनंत मिलन से अधिक पर्सी के साथ रोमांटिक मिलन को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानती थी। आखिरकार मैं अमेरिका और पर्सी के पास जल्दी पहुंचने के खातिर अब्दुल बहा के साथ एक अतिरिक्त दिन बिताने से चूक गई। ओह मास्टर, मेरे दिल को कितने अच्छे से समझते थे। क्या तुम इस प्रेम को ईश्वर के पास स्थानांतरित कर सकती हो? यही तो सवाल था। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? मास्टर ने मुझसे कहा कि प्रेम के अलग अलग चरण हैं, और फिर उन्होंने समझाया कि उनके हाथ में एक मापने की छड़ी है जिसके द्वारा वह अपने मित्रों के प्रेम को मापते हैं, और वह छड़ी आज्ञाकारिता थी। पूरी सर्दी मैंने पर्सी को देखने से मना कर दिया था, लेकिन मेरा दिल अभी भी उससे जुड़ा हुआ था। मुझे लगा कि उससे न मिलकर मैं कम से कम एक प्रकार से मास्टर की आज्ञा का पालन कर रही थी। तब एक नोट पर्सी से आया। ये एक निमंत्रण था जिसमें वह यह चाहते थे
कि न्यूयॉर्क में अब्दुल बहा का पहला सार्वजनिक संबोधन उस चर्च में हो जहां वो मिनिस्टर। अगर अधूरे मन से आज्ञाकारिता ऐसे फल को सामने ला सकती है तो मैंने सोचा कि पूर्ण आज्ञाकारिता से क्या नहीं हो सकता। ओह, चर्च ऑफ असेंशन में उस दिन पर्सी ने सब कुछ एक कलाकार के स्पर्श से व्यवस्थित किया था। पहले फूलों और संगीत के साथ जुलूस निकला, फिर पर्सी का संबोधन जिसमें उसने ओल्ड टेस्टमेंट से एक भविष्यवाणी पढ़ी जो सीधे आज के प्रतिज्ञापित दिवस की ओर इशारा करती है, बहावला की ओर, और फिर कॉयर ईसा फिर पुनर्जीवित हुए गीत गाने लगा और पर्सी ने मास्टर का परिचय दिया। मैं वहाँ इतनी खुशी से बैठी थी, मुझे ऐसा लगा मैं अपने पूरे जीवन में कभी इतनी खुश नहीं थी। मैं अपने स्वामी अब्दुल बहा की उपस्थिति में थी और मैं इस मानव दुनिया में सबसे ज्यादा जिससे प्यार करती थी, आखिरकार उसने उन्हें पहचान लिया था। शायद मेरी सारी पीड़ा इस मिलन के लिए थी। और क्या अर्थ हो सकता है इस इतनी सुंदर चर्च सर्विस का, जिसमें पुनरुत्थान के विषय को इतने साहस और बल के साथ जोर दिया गया हो। चर्च में खुली उद्घोषणा, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि इस सर्विस का कुछ और ही मतलब हो सकता है। जब सर्विस समाप्त हुई, मैं रेक्टरी में पूरे आनंद से पर्सी का इंतजार कर रही थी। आखिरकार वह आए, उनके गाल सुर्ख लाल थे और वह मुझसे बोले, मेरी डार्लिंग, मेरी डार्लिंग। मैंने उनसे कहा कि आज आपने सब कुछ कितना सुंदर बना दिया था, कितनी सुंदर सर्विस थी। मैंने उनसे कहा कि मुझे उन्हें धन्यवाद देने के लिए सही शब्द भी नहीं मिल रहे हैं। लेकिन तब उनकी नजरों में कुछ झूठा सा ने मुझे मानो जगा दिया। तब उन्होंने कहा, जूली मेरी डार्लिंग, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया। तब मुझे एहसास हुआ कि उन्होंने तो केवल एक प्रदर्शन का मंचन किया था जिसमें उन्होंने अब्दुल बहा को एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया था, मुझे रिझाने के लिए, अपने मतलब के लिए धर्म का इस्तेमाल किया था। अब पूरी स्पष्टता के साथ मुझे समझ में आया कि अब्दुल बहा कितने सही थे। दुखी और भयाकुल होकर मैं उनसे दूर हो गई। ईश्वर का शुक्र है मैंने अब्दुल बहा की आज्ञा का पालन किया। मेरी नानी माँ पूरी तरह से अफ्रीकी जनजाति की थी। वह अमेरिका के दक्षिण कैरोलिना में एक गुलाम थी। वहां उनको उनके गोरे मालिक के द्वारा मेरी मां का जन्म हुआ और मेरी मां जन्म के बाद अपने गोरे पिता के ही बागान में गुलाम बनकर रही। 1807 के दशक के अमरीकी गृह युद्ध के बाद मेरी नानी और मेरी मां आखिरकार गुलामी से मुक्त हो गए। उत्पीड़न के खिलाफ सबसे आम प्रतिक्रिया होती है नफरत या अपनी पुरानी परंपरा में फंसे रह जाना, लेकिन मेरी नानी की प्रतिक्रिया थी एक ऐसे पोते की परवरिश करना जो भयभीत नहीं किया जा सके। वह स्वयं अनपढ़ थीं, लेकिन उन्होंने मुझे गरिमा और साहस का पाठ पढ़ाया। उन्होंने मुझे सिखाया कि गोरे न केवल वो हैं जिन्होंने तुम पर अत्याचार किए हैं, बल्कि मेरे सहपाठी हैं, मेरे स्कूल के शिक्षक हैं और मेरे नाना जी भी हैं। उन्होंने मुझे सच सिखाया, पूरा सच, कि मेरे लोगों ने हजारों यातनाएं सही हैं पूर्वाग्रह और अन्याय के कारण, लेकिन गोरे भी मेरे लोग हैं। पर एक युवक को गुस्सा आना स्वाभाविक है जब वह हर साल सैकड़ों हत्याएं देखता है, गोरे लोगों के ग्रह अश्वेत घर और संपत्ति नष्ट कर देते हैं, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं किया जाता। मेरी नानी
ने गोरों के प्रति मेरे दिल को करवाहट से तो बचा लिया, लेकिन मेरे दिमाग को संदेह से ना बचा सकी। मैंने अश्वेत लोगों पर हो रहे अन्याय के खिलाफ कार्रवाई के लिए योजना तैयार करना शुरू कर दी। मैं WEB Du Bois के समान अधिकार की मांग से प्रभावित था। उस समय ये संघर्ष ही मेरा धर्म था। मैं जीवन की सच्चाई खोज रहा था, लेकिन उसे ढूंढ नहीं पा रहा था, और इसलिए उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन जब मैं अब्दुल बहा से मिला तो मेरा दृष्टिकोण बदला। अब्दुल बहा की प्रज्वलित वास्तविकता और सभी उच्च आदर्शों का उनमें समावेश ने मुझे इस तरह पुकारा, इस तरह मोहित कर दिया कि मैं बहाई शिक्षाओं का दृढ़ अनुयायी बन गया। अब्दुल बहा ने यह आशा व्यक्त की कि मैं वह साधन बन सकूं जिससे गोरे और अश्वेत लोग जातीय भिन्नता के प्रति अपनी आंखें बंद कर लें। मैंने उनके शब्दों को अपने दिल में समा लिया और एक आज्ञा के रूप में उनका पालन किया। सबसे पहले मैंने अपनी वकालत का पेशा छोड़ा और एक जातीय मित्रता कार्यकर्ता बन गया। मेरे दोस्तों ने सोचा कि मैंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। एक प्रमुख वॉशिंगटन अखबार ने बहाई बनने पर मेरा उपहास उड़ाते हुए दो कॉलम भी छाप दिए। ये सब मैं सहन कर सकता था, लेकिन मुझे जिस बात का सबसे अधिक पीड़ा होती थी वह ये थी कि मेरे नए बहाई मित्र अभी भी जाति के अनुसार सभाएं कर रहे थे। ये सच है कि वॉशिंगटन DC उस समय पूरी तरह जाति और रंग पर आधारित था। आप गिरजाघर प्रार्थना के लिए भी अपने शरीर के रंग के अनुसार जाते थे, पर यदि ये शिक्षाएं नए युग की शिक्षा है, एकता को समर्पित शिक्षा है, तो फिर उसके अनुयायी विभाजित क्यों? बहाउल्लाह साफ कहते हैं कि यह गलत है। सभी बहाई एक जगह क्यों नहीं मिलते? क्या बहाई भी अन्य लोगों की तरह पूर्वाग्रह से भरे हुए हैं? अब्दुल बहा ने फिर मेरा उद्धार किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि बहाई सभाएं जब हो सबके लिए हो, एकत्रित हो। लेकिन अब्दुल बहा बहाइयों के साथ ही ना रुके। जब वे वॉशिंगटन में थे तब फारसी दूतावास ने उनके सम्मान में एक औपचारिक भोज की योजना बनाई। उत्तरी ध्रुव के एक्सप्लोरर अलेक्जेंडर पेरी और महावैज्ञानिक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जैसे कई प्रमुख लोग इस भोज में उपस्थित थे। लोगों को सख्त वॉशिंगटन प्रोटोकॉल के अनुसार बैठाने की व्यवस्था थी। इसका मतलब सभी प्लेटों के पास नाम के कार्ड लगाए गए थे ताकि आप अपनी जाति के अनुसार बैठ सके। लेकिन बस जब सब मेहमान बैठने ही वाले थे, अब्दुल बहा ने सारे नाम के कार्ड इकट्ठे ही वाले थे,
अब्दुल बहा ने उन सब कार्डों को अच्छी तरह मिलाया और फेर बदली करने के बाद प्लेटों के पास जमा दिया। फिर उन्होंने मेरा हाथ थामा और मुझे मेज के शीर्ष पर ले गए। सम्मान के स्थान पर बैठने के लिए। और वो इस सभा में जहां लगभग परिस्थित सभी लोग गोरे वर्ग के थे। अब्दुल बहा ने मुझे नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। एक सरल और प्यार भरे प्रदर्शन से अब्दुल बहा ने पूर्वाग्रह और अलगाव दोनों की मूर्खता सबके सामने प्रमाणित कर दी थी। अब्दुल बहा ने यह तीव्र इच्छा व्यक्त की कि मैं वह साधन बन सकूं जिससे गोरे और अश्वेत लोग जातीय भिन्नता के प्रति अपनी आंखें बंद करें। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं मेरी सीमित क्षमताओं की ओर ना देखूं, अपितु प्रभु की अपरंपार उदारता में आश्वस्त रहूं। उन्होंने मेरा परिचय मिस लुइसा मैथ्यू से भी करवाया, जो लंदन की एक बहाई थी, एक गोरे रंग की महिला। अब्दुल बहा ने हमारी उपस्थिति में कहा कि अंतरजातीय विवाह एक अच्छा तरीका है जातीय पूर्वाग्रह को समाप्त करने का। मुझे अपने नानी के शब्द याद आ गए कि गोरे ना सिर्फ वो हैं जिन्होंने हम पर अत्याचार किए हैं, वो तुम्हारे सहपाठी भी हैं, तुम्हारे स्कूल के शिक्षक भी हैं और तुम्हारे नाना जी भी हैं। September 27, 1912 न्यूयॉर्क शहर में, संविदा के इस शहर में मेरी शादी लुइसा मैथ्यू के साथ हुई। हम दोनों मध्यम आयु वर्ग के प्रौढ़ व्यक्ति थे। हम एक दूसरे से काफी प्यार करते थे और एक दूसरे का सम्मान करते थे, लेकिन हमारा मिलन अब्दुल बहा का काम था। उनके प्रति हमारे प्यार ने हम दोनों को उन दिनों के सामाजिक पूर्वाग्रहों का सामना करने का साहस दिया। उस समय लगभग सभी अमेरिकी प्रांतों में एक गोरे और अश्वेत दंपत्ति का एक साथ यात्रा करना तक भी अवैध था। हमारा दाम्पत्य जीवन कठिन था लेकिन खुशहाल था। कैसे नहीं होता, आखिर अब्दुल बहा हमें एक साथ लाए थे। जिस सप्ताह मैंने मास्टर को लुई ग्रेगरी को टेबल के प्रमुख स्थान पर ले जाते हुए देखा था, उसी सप्ताह ये पेंटिंग अस्तित्व में आई थी। मैं एडना के साथ उनसे भेंट करने गई थी जब अब्दुल बहा ने अचानक कमरे में प्रवेश किया। उन्होंने कहा, मैं एक ड्राइव के लिए बाहर जा रहा हूँ, लेकिन एडना और जूलियट
तुम भी इंतजार करना, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता मेरी प्रतीक्षा करना, मैं आपको थोड़े समय बाद मिलूंगा। इसलिए मैंने इंतजार किया और इंतजार किया। 6:30 बज गए, फिर 7 बज गए। हमें 7:30 बजे एल्किंस के घर पर पहुंचना था और उनका घर बहुत दूर था और बस लाइन से अलग दिशा में था। जाओ जूलियट, एडना ने आग्रह किया, मैं उन्हें समझा दूंगी। लेकिन मैं कैसे जा सकती थी, मेरे मास्टर ने मुझे इंतजार करने के लिए कहा था, इसलिए मैंने इंतजार किया। 7 बजने की कुछ देर बाद अब्दुल बहा वापस आए। जब वे उस कमरे में दाखिल हुए जहां वे मुझे छोड़कर गए थे और जहां मैं अभी भी इंतजार कर रही थी, उन्होंने कहा, ओ जूलियट, तुम्हारे लिए मैं लौटा हूँ। श्रीमती हैमॉक मुझे और रोकना चाहती थी, लेकिन मैंने तुम्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहा था, इसलिए मैं लौट आया। एक विराम के बाद उन्होंने कहा कि क्या आप कल आकर मेरी पेंटिंग बनाना चाहेंगी। इस प्रकार मैंने एक बार फिर से आज्ञाकारिता का प्रतिफल सीखा। आज्ञाकारिता के इतने छोटे कार्य के लिए इतना बड़ा इनाम। मेरे बचपन का सपना आखिरकार पूरा होने वाला था। एक बार हाइफा में मास्टर ने मुझसे कहा था कि मेरे शब्दों का, मेरी आज्ञाओं का पालन करो और तुम ऐसा करने के परिणामों पर चकित हो जाओगे। और चमत्कार देखिए, मुझे उस रात खाने के लिए देर नहीं हुई क्योंकि एल्किंस के यहाँ खाना आधे घंटे से स्थगित कर दिया गया था। ये न्यूयॉर्क में बाही धर्म के शुरुआती दिनों की बात है। हम अब्दुल बहा के पद को लेकर कितने भ्रमित थे। आर्थर डॉज, जो डॉज मोटर कार के डिजाइनर थे और जिन्होंने न्यूयॉर्क में पहली बहाई आध्यात्मिक सभा की स्थापना की थी, कई बहाइयों में से एक थे जो ये मानते थे कि मास्टर क्राइस्ट की वापसी है। डॉज ने मेरा उपहास भी उड़ाया था ये कहकर कि मैंने अपने घर में एक पूर्व के स्वामी को ठहरने की अनुमति दी थी। सच तो यह है कि वो और मैं कभी आध्यात्मिक सभा में एक साथ नहीं बैठे थे। जब हमें पता चलता कि हम में से कोई एक पहुंच रहा है तो हम बच निकलते थे। मेरे विचार में मास्टर ईश्वर के संदेशवाहक नहीं थे, वे ईसा मसीह की वापसी भी नहीं थे। वे एक व्यक्ति थे, एक महान व्यक्ति जिनका पद बहुत उच्च था, जैसे पीटर का था। मेरे विचार में उनकी आत्मा अन्य मानों की तरह ही थी। मैं समझता था कि हम भी मास्टर का पद प्राप्त कर सकते थे बहाउल्लाह की शिक्षाओं का पालन करके। आप सोच सकते हो ना, देखा ना आपने कितना गलत था मैं, क्योंकि मैं अब्दुल बहा को पीटर की तरह समझ रहा था। इसका सीधा अर्थ ये था कि मास्टर गलतियां भी कर सकते थे, जैसे पीटर ने एक बार नहीं 3 बार ईसा मसीह को नकारने की भूल की। उफ, मेरी धारणा ये संविदा के केंद्र को त्रुटिहीन नहीं मानती तथा संविदा के महत्व और उसकी रक्षा के अनुकूल भी नहीं थी। मैंने एक साल में 25,000 मील की लंबी यात्राएं की थीं और कई बहाई बैठकों में अपनी इस भ्रमित धारणा को फैलाया था। परिणाम ये निकला कि बहाइयों ने मुझे अपनी बैठकों में बुलाना बंद कर दिया। वाशिंगटन डीसी, फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर में अब मेरा स्वागत नहीं होता था। कुछ बहाइयों ने मेरे साथ जुड़ने से भी इनकार कर दिया था। एक विशेष चुनाव के द्वारा मुझे न्यूयॉर्क की आध्यात्मिक सभा से बाहर भी कर दिया गया था। मुझे अकेला छोड़ दिया गया था, मेरा त्याग कर दिया गया था, मुझे जैसे फेंक दिया गया था। मेरी सेवाएं मानो मेरे मुंह में भस्म बनकर घुट रही थी। फिर अब्दुल बहा न्यूयॉर्क पधार रहे थे।
संविदा के केंद्र के रूप में अपने पद की गरिमा समझाने के लिए। वे जब यहाँ पहुँचे तो मुझे भेंट करने के लिए अपने जहाज पर बुलाया और फिर वे मुझे उनके साथ होटल पर भी ले गए। उनका व्यवहार मेरे प्रति एक पिता के समान था। मुझे और मेरी पत्नी को हमारे ब्रुकलिन वाले घर में एक छोटे चलचित्र बनाने के लिए उन्होंने अनुमति भी दे दी। उन्होंने हमें ये भी आज्ञा दी थी कि उनकी आशीर्वादित आवाज में कार्ड भी कर सकते थे। फिर मेरी परीक्षा की घड़ी आई। मुझे संविदा के केंद्र प्रिय अब्दुल बहा ने शिकागो जाकर खैरुल्लाह के संविदा भंजक अनुयायियों को चेतावनी देने के लिए भेजा। मुझे खैरुल्लाह के साथ अपने संबंध तोड़ने के लिए भी कहा गया। ये मेरे लिए बड़ा कठिन कार्य था क्योंकि खैरुल्लाह ही मुझे धर्म में लाए थे। वे मेरे आध्यात्मिक पिता थे। खैर, मैं शिकागो पहुंचा और संविदा भंजकों से मिला, लेकिन मैंने उनकी बीमारी के विषय में कुछ नहीं किया, अपितु मास्टर को तार से संदेश भेजा कि वे सब मुझे फरिश्तों जैसे लगते हैं। हॉवर्ड मैकनट अभी न्यूयॉर्क से लौटे थे। मैं किनीज़ के घर की दूसरी मंजिल पर अब्दुल बहा के साथ खड़ी थी। जब हॉवर्ड पहुंचे, मास्टर तुरंत उन्हें दूसरे कमरे में ले गए। इसी बीच एक बड़ी भीड़ नीचे जमा हो रही थी अब्दुल बहा के वक्तव्य को सुनने की आशा में। अंत में मास्टर हॉवर्ड के साथ बाहर आए। हॉवर्ड मुरझाए हुए लग रहे थे। मैंने अब्दुल बहा को उनसे कहते हुए सुना कि नीचे जाओ और लोगों से कहो। मैं सॉल जैसा था, अब मैं पॉल हूं क्योंकि मैं देखता हूं। बट आई डोंट सी, मास्टर ने दोहराया, नीचे जाओ और कहो। मैंने उनके कोट को पीछे से खींचा और कहा, भगवान के लिए हॉवर्ड, नीचे जाओ। लीव मी अलोन, लीव मी अलोन, मास्टर ने आदेश दिया है, नीचे जाओ। बेचारे हॉवर्ड, अंत में वह मुरे और परीक्षा का सामना करने के लिए सीढ़ियों से नीचे जाने लगे। उनकी पीठ मुझे सिकुड़ी हुई लग रही थी। मास्टर सीढ़ी की रेल से टिककर खड़े थे। उनका सिर पीछे की ओर झुका हुआ था और उनकी आंखें वेदना युक्त प्रार्थना में बंद थी। मैं शीर्ष सीढ़ी पर बैठकर मास्टर को देख रही थी और सोच रही थी कि ये गेट्समैन बगीचे में क्राइस्ट द्वारा झेली गई पीड़ा की तरह है। मैं सोल की तरह था। हम दोनों हॉवर्ड को उनकी गलती स्वीकार करते हुए उनकी लड़खड़ाती आवाज को सुन सकते थे। मैं अब पाल हूं, मैं देख सकता हूं। लेकिन हॉवर्ड जब वापस ऊपर आए, मास्टर ने उन्हें प्यार से सरोबार कर दिया। अब्दुल बहा उनसे मिलने के लिए अपनी बाहें फैला कर दौड़े। बाहें फैलाए हुए और दौड़ते हुए वो एक महान उड़ान भरते हुए पक्षी की तरह दिख रहे थे। उन्होंने हॉवर्ड को गले लगाया, उनके चेहरे और गर्दन को चूमा, खुले उत्साह के साथ इस टूटे हुए आदमी का स्वागत किया जो हालांकि हतप्रभ था, लेकिन उन्होंने अब्दुल बहा की आज्ञा का पालन किया था। उन्होंने संविदा के केंद्र की आज्ञा को माना था। जो अब्दुल बहा चाहेंगे मैं वही करूंगा, और जो कुछ वे नहीं चाहेंगे वो नहीं करूंगा। उनकी आज्ञाकारिता के लिए हॉवर्ड मैकनट को मास्टर के अमेरिका में सभी वक्तव्यों को संकलित करने का विशेष अधिकार दिया गया था। उन्होंने उन्हें सार्वभौमिक शांति की उद्घोषणा नामक एक खंड में प्रकाशित किया था। अब्दुल बहा ने उनसे कहा, यह सेवा उनको आभा राज्य में एक उज्जवल चेहरा हासिल करने का कारण बनेगी और उनको
पूर्व और पश्चिम में मित्रों की प्रशंसा और कृतज्ञता का पात्र बना देगी। जूली मास्टर का चित्र बना रही थी। मास्टर ने जूली को मेरा चित्र भी बनाने को कहा, परंतु मैं इस बात से ज़्यादा खुश नहीं थी। पर क्योंकि मास्टर ने बोला था, जूली मेरा चित्र बनाने लगी। इसी समय अंतराल में अब्दुल बहा ने इच्छा व्यक्त की कि मैं कैलिफोर्निया जाऊं। मैं अगर कैलिफोर्निया चली जाऊंगी तो अब्दुल बहा से दूर हो जाऊंगी। ये बिछड़ने की बात सोचकर मैं भयभीत हो गई। मैं उनकी बात सही में मानना चाहती थी, सच बोल रही हूँ, परंतु तुरंत नहीं। जूली, क्या तुमने उनको वो पॉइजन आईवी के बारे में बताया? देखो, वो मुझे अनदेखा कर रही है। जूली मुझे ऐसी बातों में प्रोत्साहन करना पसंद नहीं करती। चलो मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था। अब्दुल बहा कैलिफोर्निया जाने के लिए न्यूयॉर्क छोड़ने की तैयारी कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मैं वहाँ पहले पहुँचकर उनके वहाँ आने की सब व्यवस्था करूँ। लेकिन मुझे मास्टर से अलग होने का विचार बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे पता नहीं कि मेरे ऊपर क्या भूत सवार हो गया, लेकिन न्यू जर्सी की यूनिटी फीस्ट के दौरान मैं जानबूझकर जहरीली आईवी के आगे पीछे, उसके बीच, उसके ऊपर तब तक चलती रही जब तक मेरे पांव सूज ना गए। अब अब्दुल बहा मुझे कैलिफोर्निया नहीं भेज सकते, है ना? मैंने जूली को बोला, जूली मास्टर के पास जाओ और कहो कि लुआ यात्रा कैसे कर सकती है, उसके पैरों को देखिए। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं गई और अब्दुल बहा को बताया कि क्या हुआ था। लेकिन अब्दुल बहा जोर से हंसे। फिर उन्होंने मुझे एक सेब और एक अनार दिया। इन्हें लुई के पास ले जाओ, उन्होंने कहा, उससे कहो कि वे इन्हें खा ले और वे ठीक हो जाएगी। ओह अनमोल लुआ, अवज्ञा और आज्ञाकारिता का अजीब मिश्रण, और सब प्यार के खातिर। मुझे लगता है कि इसलिए मास्टर ने उसकी अवज्ञा पर कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये सब प्यार के कारण था, विद्रोह के खातिर नहीं। जब संविदा की बात आती तो लुआ हमेशा आज्ञाकारी थी। उसने मे मैक्सवेल को बहाई धर्म सिखाया था। उसने अकेले ही भारत की यात्रा की थी। उसने मिस्र में पायनियरिंग की और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। मैं कभी नहीं भूल सकती कैसे उसने पहले सेब और फिर अनार को तुरंत ले लिया और उन्हें पूरी तरह से चबा चबा कर खा लिया, जब तक अनार का एक दाना भी नहीं बचा। वो उस इलाज को खा रही थी जिससे उसका कैलिफोर्निया जाना निश्चित था। बाद में उस दोपहर हम मास्टर के स्वयं हमारे पास आने से आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने स्वयं चादरें खींची और देखा कि लुई के पैर ठीक हो गए थे और अब्दुल बहा फूट फूट कर हंसने लगे। वो जानते थे कि लुआ हमेशा संविदा में दृढ़ रहेगी। मेरे पास एक और योजना थी और इस योजना को मुझे आजमा कर देखना था। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अब्दुल बहा ने जूली को मेरा चित्र बनाने के लिए कहा था, लेकिन उसके साथ मेरी केवल एक ही बैठक हो पाई थी और अब मास्टर मुझे कैलिफोर्निया जाने को बोल रहे थे। तो मैंने जूली को बोला, जूली कृपया मास्टर के पास जाओ और उन्हें कहो कि अगर लुआ कैलिफोर्निया चली गई तो मैं उसे पेंट कैसे कर पाऊँगी, और मैंने उसका चित्र बनाना पहले ही शुरू कर दिया है। लेकिन जब वो मास्टर के पास गई तो वह केवल हंस पड़े। हमेशा की तरह वो मेरी हर साजिश को समझ जाते हैं। हाय, अब मेरी सब योजनाएं असफल रही। अब मेरे पास कोई चारा नहीं रहा। अब्दुल बहा की आज्ञाओं को मानना पड़ा और मैं कैलिफोर्निया चली गई और मास्टर ने जूली को उनका चित्र पूरा करने के लिए बुलाया। जून की 19 तारीख थी। मैं आपको उस दिन के बारे में बताती हूँ। मैं और जूली सीढ़ियों पर खड़े थे जब मास्टर मेरे और जूली के पास से गुजरे।
हम दोनों ने एक अजीब सी शक्ति महसूस की, जैसे कि कोई बहुत शक्तिशाली ऊर्जा उन पर छा गई हो। ये एक ऐसी शक्ति थी जिसे शरीर में कैद नहीं किया जा सकता था। बाद में जब जूली मास्टर के चित्र को अंतिम रूप दे रही, तब मास्टर ने अपनी आंखें बंद कर ली और झपकी लेने लगे। जूली ने अपना पेंट ब्रश नीचे रख दिया और जो उसके सामने दृश्य था वो बहुत पवित्र था, जिसे चित्रित करना असंभव था। फिर बिजली की तेज की चकाचौंध की तरह अब्दुल बहा ने अपनी आंखें खोली। कमरा तूफान के शक्तिशाली थपेड़ों से डमाडोल होते जहाज की तरह हो गया। मास्टर मानो ज्वाला बन गए और उस लपेट में हजारों पर्दे जो संविदा के केंद्र के पद को ढके हुए थे अचानक भस्म हो गए और हम साक्षात उस ज्वाला के सामने खड़े थे। संविदा का अग्रदूत, उन्होंने लुआ को संबोधित किया। मैं वो क्षण कभी नहीं भूल सकती, अब्दुल बहा की हुई बिजली की तरह कोंधती आंखें, उनकी गूंजती हुई आवाज़ और कमरे को हिला देने वाली शक्ति। मुझे लगा कि वे बिजली और मेघ गर्जना के देव थे और फिर उनकी आवाज़ गूंजी, लुआ मैं तुम्हें संविदा का अग्रदूत घोषित करता हूँ और मैं बहाउल्लाह द्वारा नियुक्त संविदा हूँ। उन्होंने अपने बारे में कहा और उनकी वाणी का खंडन कोई नहीं कर सकता। जाओ और घोषणा करो कि मैं ही तुम लोगों के बीच ईश्वर की संविदा हूँ। लुआ आध्यात्मिक आनंद से भर उठी। वो एक फरिश्ते की तरह दिख रही थी। मुझे फिर से रच दो ताकि मैं आपके काम कर सकूं। मास्टर ने फिर लुआ को नीचे भेजा ताकि वे मित्रों के बीच संविदा की घोषणा करें। जब मेरी उपस्थिति का महासागर शांत हो जाए और मेरे प्रकटीकरण का ग्रंथ समाप्त हो जाए, तो अपना मुखड़ा उसकी ओर करना जो इस प्राचीनतम मूल से उत्पन्न हुआ है। फिर मास्टर भी नीचे गए और उन्होंने संविदा के केंद्र के रूप में अपने अद्वितीय पद के बारे में बताया। उन्होंने न्यूयॉर्क को संविदा का शहर घोषित किया और इस ऐतिहासिक उद्घोषणा को बल देने के लिए उन्होंने आदेश दिया कि गुस्न की पार्टी को तुरंत अनुवादित किया जाए और कमरे में एकत्रित सभी अनुयायियों के समक्ष पढ़ा जाए। सारे अनुयायी सुनने के लिए उत्सुक थे। कुछ लोग सीढ़ियों पर बैठकर ध्यान से बहाउल्ला की पार्टी के शब्दों को सुन रहे थे। ये पवित्र और महिमामय अस्तित्व, ये पावनता की शाखा सदरतुल मुंतहा से प्रस्फुटित हुई है। भला हो उसका जिसने उसकी शरण ली है और उसकी छाया में निवास किया है। ईश्वर का धन्यवाद दो लोगों, उनकी उपस्थिति के लिए, क्योंकि वस्तुतः वो तुम्हारे लिए सबसे बड़ी कृपा है, तुम्हारे लिए सर्वोत्तम उपहार है और उनके द्वारा क्षय होती हुई अस्थि भी संजीव होती है। जो उनकी ओर उन्मुख होता है ईश्वर की ओर उन्मुख होता है, और जो उनसे विमुख होता है ईश्वर से विमुख होता है, और जो मेरे सौंदर्य से दूर होता है वो मेरे प्रमाणों का खंडन करता है और मेरा उल्लंघन करता है। वो ईश्वर का न्यास है तुम्हारे बीच, उनका आदेश है, उनकी अभिव्यक्ति है। हमने मानव स्वरूप में उसे तुम्हारे पास भेजा है। आशीर्वादित और पवित्र हो परमेश्वर। वो जो चाहे उसका सृजन करता है अपनी पवित्र एवं अचूक आज्ञा के द्वारा।